नमस्कार मैं अंकुर वर्मा लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये इस वीडियो का पार्ट टू है इसमें हम सी एस दो सौ तीन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट चार मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए जरा एक बार नजर डालते हैं कि आज हम किन किन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस से स्लाइड 46। एक प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है वो बाउंड होता है एक सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस से स्लाइड फोर्टी यानी कि लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो सी द्वारा जनरेट किया जाता है और इसे हम वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं स्लाइड 48 यानी कि लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो सी द्वारा जनरेट किया जाता है और इसे हम वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं स्लाइड 48 फिजिकल एड्रेस फिज़िकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो मेमोरी यूनिट के द्वारा देखा जाता है यानी कि ये वो स्टोरेज लोकेशन होती है जहां पर फिज़िकली डेटा स्टोर होता है स्लाइड 49। नाइन कंपाइल टाइम और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स के अंदर लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस स्पेसेस ज़्यादातर सेम होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम के अंदर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस हमेशा डिफर करते हैं स्लाइड 50, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है इट इज सेट ऑफ ऑल द लॉजिकल एड्रेसेस दैट आर जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम स्लाइड 51, सिमिलरली फिजिकल एड्रेस स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम स्लाइड 52, तो आइए अब बात करते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में स्लाइड 53 तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेन मेमोरी जो होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोसेसेस दोनों को सपोर्ट करना पड़ता है स्लाइड 54 और सिस्टम के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती है उसे हमें एफिशिएंटली एलोकेट करना चाहिए स्लाइड 55 फाइव कंटीज़स मेमोरी एलोकेशन इज वन ऑफ द अर्ली मेथड्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन स्लाइड 56 मेन मेमोरी जो होती है वो जनरली फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो मेमोरी यूनिट के द्वारा देखा जाता है यानी कि ये वो स्टोरेज लोकेशन होती है जहां पर फिजिकली डेटा स्टोर होता है कंपाइल टाइम और लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स के अंदर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेसेस ज्यादातर सेम होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम के अंदर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस हमेशा डिफर करते हैं तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है इट इज दैट आर जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम सिमिलरली फिजिकल एड्रेस स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम तो आइए बात करते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेन मेमोरी जो होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोसेसेस दोनों को सपोर्ट करना पड़ता है और सिस्टम के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सिस होती है उसे हमें एफिशेंटली एलोकेट करना चाहिए कंटीज़स मेमरी एलोकेशन इज वन ऑफ द अर्ली मेथड्स ऑफ मेमरी एलोकेशन मेन मेमरी जो होती है वो जनरली दो पार्टीशन में डिवाइडेड होती है पहला पार्टीशन तो होता है रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजली इट इज़ हेल्ड इन द लो मेमरी विद इंटरप्ट इंटरवेक्टर और दूसरा पार्टीशन जो होता है वो यूजर स्पेसिस का होता है और ये जनरली हायर मेमरी में अवेलेबल होता है स्लाइड 58 हर एक प्रोसेस जो होता है वो एक कंटीजियस मेमोरी सेक्शन में एलोकेटेड होता है रीलोकेशन रजिस्टर्स की मदद से हम एक यूज़र प्रोसेस के प्रोग्राम को दूसरे यूजर प्रोसेस के प्रोग्राम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड और डेटा की सिक्योरिटी भी इंश्योर की जा सकती है बेस रजिस्टर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस की वैल्यू को होल्ड करता है लिमिट रजिस्टर जो होता है वो एक रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को कंटेन करता है यानी कि हर एक लॉजिकल एड्रेस जो है उसकी वैल्यू लिमिट रजिस्टर से स्मॉल होनी चाहिए एमएम यू यानि कि मेमरी मैनेजमेंट यूनिट की मदद से हम लॉजिकल एड्रेसेस को डायनामिकली मैप कर सकते हैं इसकी मदद से हम कुछ एक्शंस को अलाउ कर सकते हैं जैसे कर्नेल कोड को हम ट्रांजिएंट भी कर सकते हैं या फिर कर्नेल साइज चेंजिंग भी हो सकता है तो आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट फॉर रीलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स के बारे में तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सी एक लिमिट रजिस्टर एक रीलोकेशन रजिस्टर एक कंपैरेटर और मेन मेमोरी अवेलेबल है तो सबसे पहले हम सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उसे एक कंपैरेटर को फीड करते हैं ये कंपैरेटर एक तो सीपी का इनपुट लेता है और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को भी ये एज एन इनपुट लेता है आगे हमारे पास एक एडर प्रेजेंट है इसका पहला इनपुट तो वो होता है जो सीपीयू ने लास्ट स्टेज में लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था और दूसरा इनपुट होता है रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसके अंदर रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करते हैं और इसकी मदद से हम आउटपुट जनरेट करते हैं जो कि हमारा फिजिकल एड्रेस होता है और मेन मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को रेफर करता है तो आइए बात करते हैं मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन की जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है इट इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस। अगर हम पार्टीशन की साइजेस को वेरिएबल रखते हैं यानी कि एक प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग तो हमारी एफिशिएंसी जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की वो इंक्रीज होती है तो आइए बात करते हैं एक मेमोरी होल की तो होल होता क्या है बेसिकली इट इज अ फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी और ये जो फ्री ब्लॉक्स होते हैं ये पूरी मेमोरी के अक्रॉस स्कैटर्ड होते हैं यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे होल्स पूरी मेमोरी के अंदर नॉन कंटीज़स फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जब भी एक प्रोसेस अराइव होता है तो हम मेमोरी के अंदर एक ऐसे मेमोरी होल को ढूंढते हैं जिसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि वो गिवन प्रोसेस को अकोमोडेट कर सके तो जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद मेमोरी लोकेशन को रिलीज करता है तब हम ये ध्यान रखते हैं के अभी रिसेंटली जो प्रोसेस ने मेमोरी फ़्री की है उसके एडजस्टेंट्स भी अगर फ्री मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है तो हम इन सारी कंजेटिव मेमोरी लोकेशंस को एक बड़े ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज करके सम कर देते हैं ताकि एक बड़े प्रोसेस के लिए भी अगर रिक्वेस्ट अराइव होती है तो हम उसे आराम से सेटिस्फाई कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है पहला तो जो अलोकेटेड पार्टीशंस है उनके बारे में और दूसरी इन्फॉर्मेशन वो मेंटेन करता है होल्स यानी कि जो फ्री पार्टीशन या फ्री स्पेस अवेलेबल है किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसकी शुरुआती मेमोरी हमने मेमोरी फिजिकल मेमोरी में से रिजर्व कर रखी है उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस फाइव था प्रोसेस एट था और प्रोसेस टू था कुछ टाइम बाद प्रोसेस एट ने जो एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया और उस मेमोरी को रिलीज़ कर दिया उसके बाद में प्रोसेस नाइन अराइव हुआ जिसकी साइज़ प्रोसेस एट से थोड़ी कम थी तो प्रोसेस फाइव के बाद उसके जो अवेलेबल मेमोरी थी उसमें से उसको मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया गया उसके कुछ देर बाद हमारे पास में प्रोसेस टेन अराइव हुआ और हमारे पास एडजस्टिंग मेमोरी अवेलेबल थी जो कि फ्री थी तो हमने प्रोसेस नाइन के बाद उस प्रोसेस टेन को भी मेमोरी एलोकेट कर दी अब हमने इस प्रोसेस के थ्रू आउट एग्जीक्यूशन में देखा कि एक बड़ा जो प्रोसेस था उसने मेमोरी जो है रिलीज़ की उसके बाद में हमने दो छोटे छोटे प्रोसेस को उन्हीं मेमोरी लोकेशन में अकोमोडेट कर लिया तो ये प्रोसेस रिलीजिंग के बाद में जो मेमोरी लोकेशन बसती है उसे हम होल कहते हैं और जो नया प्रोसेस अराइव होता है उसे एक होल से ही मेमोरी एलोकेट की जाती है प्रोवाइडेड उस होल की साइज इतनी होनी चाहिए कि वो उस न्यूली अराइव प्रोसेस की मेमोरी को अकोमोडेट कर सके तो आइए बात करते हैं डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम के बारे में तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम एक रिक्वेस्ट ऑफ साइज एन को सेटिस्फाई करेंगे फ्रॉम दी अवेलेबल फ्री होल्स फर्स्ट फिट अलगोरदम ये कहता है कि जब भी भी हमारे पास एक प्रोसेस अराइव होता है और हमें उसको मेमोरी एलोकेट करनी है तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अवेलेबल होल्स पड़ी रहती है उस लिस्ट में से हम जो भी पहला होल जो करंट प्रोसेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सके हम उसे वो होल एलोकेट कर देते हैं तो आइए अब बात करते हैं बेस्ट फिट अलगोरिदम के बारे में तो जब भी एक प्रोसेस अराइव होता है और हमें उसे कोई मेमोरी एलोकेट करनी है तो बेस्ट फिट अलगोरिदम क्या करेगा कि हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल हैं उनमें से ऐसा स्मॉलेस्ट होल वो पिक करेगा जिसकी साइज इतनी बड़ी हो कि वो करंट प्रोसेस की नीड को सेटिस्फाई कर सके तो बात करते हैं वर्स्ट फिट अलगोरिदम के बारे में वर्स्ट फिट अल्गोरिदम अभी जो हमने बेस्ट फिट अल्गोरिदम पढ़ा उससे जस्ट ऑपोजिट बिहेव करता है यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस अराइव होता है तो वर्स्ट फिट एल्गोरिदम पूरी मेमोरी के अंदर लिस्ट ऑफ अवेलेबल होल्स में से सबसे लार्जेस्ट जो मेमोरी होल है उसको बिना देखे एलोकेट कर देगा एक ध्यान में रखने लायक बात यह है कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट एल्गोरिदम्स जो हैं वो बेटर होते हैं वर्स्ट फिट एलगोरिदम्स से इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन के टर्म्स में तो आइए अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में तो फ्रेगमेंटेशन को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये कहता है कि जब भी हमारे पास एक प्रोसेस अराइव होता है और उसे हमें कुछ मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो हम वो मेमोरी एलोकेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अगर हम सारे होल्स की साइज़ को अगर सम करें तो इतनी मेमोरी तो हमारे पास आ जाती है जो उस गिवन प्रोसेस की मेमोरी साइज से बड़ी है लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो सारी मेमोरी है वो अलग अलग होल्स यानी कि छोटे छोटे होल्स के फॉर्म में पूरी मेमोरी लोकेशन के अक्रॉस बिखरी हुई है या स्कैटर्ड है वो कंटीज़स फॉर्म में एलोकेटेड या फिर कंटीज़स फॉर्म में अवेलेबल नहीं है इस वजह से हम जो प्रोसेस है उसे ये मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते अब बात करते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमारी जो एलोकेटेड मेमोरी होती है वो दैट मे बी स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्टेड मेमोरी तो आइए अब देखते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम बेसिकली इस प्रॉब्लम को यानी कि फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो कॉम्पैक्शन की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं इसके अंदर क्या होता है कि हम सारी मेमोरी लोकेशंस को शफ़ल करते हैं यानी कि जो सारी फ्री मेमोरी होती है उसको हम एक साथ ले आते हैं और सारी एलोकेटेड मेमोरी को हम एक तरफ ले आते हैं तो फ्री मेमोरी को क्लब करके हम एक बड़ा ब्लॉक ऑफ पार्टीशन बना सकते हैं जो किसी मेमोरी या प्रोसेस की जो मेमोरी रिक्वेस्ट है उसको सेटिस्फाई कर सके लेकिन कॉम्पेक्शन परफॉर्म करना तभी पॉसिबल है जब हमारे रीलोकेशन जो है वो डायनामिक नेचर के होने चाहिए और इसे हमें रन टाइम पे परफॉर्म करना पड़ता है तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस फ्रॉम जी पी सी प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू एन अपडेट ऑफ आर अपकमिंग न्यू वीडियोज़